हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंजीनियर अरुण और मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हीट पिलर को की जो वायरिंग है उसको कैसे चेक करना और किस तरह से आपने, अगर आपके घर में हीट पिलर ख़राब हो जाए तो आप अपने आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं। इसमें रहती हैं जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, दो हैलोजन रॉड्स रहती है। एक हैलोजन रॉड इसकी 750 वाट की होती है, दो 1500 वाट की बन जाती है। एक आपके पास ये वेंटिलेशन फैन है जो कि हवा को सक्शन करता है और ऊपर की तरफ हैलोजन रॉड के ऊपर की तरफ इसको भेजता है और उस ठंडी हवा को गर्म जो है हैलोजन रॉड्स करती है। और एक ये ऑसिलेशन मोटर रहती है, ये एक ऑसिलेशन मोटर है, ठीक है। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, बाकी ये तीन टर्मिनल्स और हैं। बेसिकली इसमें तीन चार चीज़ें रहती हैं, एक आपकी ऑसिलेशन मोटर, इसको कनेक्शन देना होता है, एक आपका वेंटिलेशन फैन, इसको कनेक्शन करना होता है, और दो आपकी हैलोजन रॉड्स होती हैं जिनको हमें कनेक्शन करना होता है। तो हम सबसे पहले बॉटम में जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें आपके पास ये तार दिख रही है, ये इनपुट वायर है जो कि हमारे को एसी कनेक्शन देती है। इसमें आपकी ये दो तारें, एक फेज रेड वाली फेज, ब्लैक वाली न्यूट्रल, और एक ये ग्रीन वायर है जो कि अर्थ वायर है। इसको मैंने ऑलरेडी जो है कनेक्ट कर रखा है बॉडी के साथ। तो तीन वायर्स हमारी बाहर से आती हैं और ये जो बाकी की वायर्स हैं, इसमें ये दो वायर्स ऑसिलेशन मोटर की है, ये गोल्डन कलर में जो दिख रही है, रेड और ब्लैक ऑसिलेशन मोटर की वायर्स है। और बाकी की ये जो तीन वायर्स और हैं, ये ब्लैक रेड और ब्लू, ये ऊपर से आई हुई हैं कनेक्टर से। तो मैं कनेक्टर भी दिखा देता हूँ आपको। ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, इसमें तीन टर्मिनल्स हैं आपके, रेड फेज आ रहा है, ब्लैक आपका न्यूट्रल आ रहा है, और ये जो ब्लू वायर है ये ऑसिलेशन मोटर की जो है वायर है, ठीक है, ये अर्थ वायर नहीं है, ऑसिलेशन मोटर की वायर है तीसरी। फिर हम कनेक्टर से आ जाते हैं थोड़ा ऊपर, ये आपके बस बार हैं या आप जो भी बोलिए, ये दो दरअसल इनको कॉमन कर रखा है यहाँ पर। और ये जो पीली वायर आ रही है ये कनेक्टर से आ रही है, ये न्यूट्रल है। फेज वाली जो वायर है वो सीधा ऊपर चलेगी, ये स्विच पर, ये स्विच है आपका, यहाँ पर ये फेज वायर हमारी बाहर से आकर कनेक्टर के थ्रू ऊपर चलेगी है। और जो न्यूट्रल है, पीली वाली जो वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये यहाँ पर है, इसको हमने जॉइंट कर दिया है, कॉमन कर दिया है। जो दो हैलोजन रॉड्स हैं आपकी, उनके दोनों के एक एक टर्मिनल इन दोनों में लगेंगे जो कि न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होंगे। एक ये जो ये दिखा रखा है, एक और इसमें थिम्बरिंग हो रखी है, ये और ये ऊपर से फेज आ रखी है और ये न्यूट्रल है जिसमें कि हम इस ऑसिलेशन फैन को कनेक्ट करेंगे। फिर हम ऊपर आ जाते हैं, यहाँ ऊपर भी दो टर्मिनल्स हैं, दो बस बार हैं जिसमें कि हैलोजन रॉड को, दोनों हैलोजन रॉड को हम फेज देंगे। अब रहा हमारा ये स्विच, स्विच के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं करता हूँ आपको। इस तरह से ये स्विच रहता है, फर्स्ट हीटर, सेकंड हीटर एंड देन ऑसिलेशन। अगर हम इसको पीछे से देखें, ये फर्स्ट हीटर है, सेकंड हीटर, और ये ऑसिलेशन का है, ये वाला टर्मिनल ऑसिलेशन का है, और यहाँ पे हम इस पे हम फेज कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फेज आया तो यहाँ से आप तीनों को, फर्स्ट हीटर हो गया, पहले टर्मिनल से आपने
ऑसिलेशन फैन को, ये अपना सॉरी वेंटिलेशन फैन को, और पहली जो हैलोजन रॉड है उसको कनेक्शन देना है, दूसरे से आपने दूसरी हैलोजन रॉड को कनेक्शन देना है, और तीसरे टर्मिनल से आपने ऑसिलेशन जो मोटर है जो नीचे बॉटम में लगी हुई है उसको कनेक्शन देना है, जैसे कि यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है आपका इधर से यहाँ से फेज आया है, फेज डायरेक्ट आपने जो है इस स्विच में देना है, इस टर्मिनल में देना है। ठीक है, अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो ऊपर से 1, 2, 3 और ये 4, इस फोर्थ नंबर पे मैंने फेज दे दिया। पहले पे मैंने जो है ये पहला नहीं, तीसरे नंबर पे मैंने पहली जो रॉड है और हैलोजन रॉड है और वेंटिलेशन फैन है उसको कनेक्शन दिया है, दूसरे में मैंने दूसरी रॉड को कनेक्शन दिया है, और तीसरे में जो ऑसिलेशन मोटर है उसको कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये इसी तरह से ये सारी तारें बाहर आ गई। अब हमने क्या करना है, जो मेरा फेज बाहर से आया हुआ है उसके साथ अंदर वाले तार को जोड़ देना है, मतलब फेज को फेज के साथ कनेक्ट करना है। तो ये मैंने जो वायर्स हैं ये इन टर्मिनल्स में टाइट कर दी हैं, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये आपकी वायर आ रही है बाहर से जिसमें हम 230 वोल्ट इनपुट सिग्नल देते हैं। इसमें तीन वायर्स होती हैं, एक ये रेड, दूसरी ब्लैक, रेड फेज है और ब्लैक वायर ये जो है आपका ये न्यूट्रल है। ठीक है, और जो अर्थ है, अर्थ मैंने बॉडी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। तो वैसे इस ऑसिलेशन जो मोटर है इसके दो तारें होती हैं, एक तार मैंने यहाँ पर लगा दी है ये, क्योंकि ये अंदर से आ रही है कनेक्टर से, मैंने इसको इसके साथ जॉइंट कर दिया है, और दूसरी तार जो है वो न्यूट्रल के साथ उसको टाइट कर दिया है। ठीक है, और ज़्यादा इसको समझने के लिए ये देखिए आप, ये फेज, ये जो आप कनेक्टर है, एक फेज, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा ये ऑसिलेशन मोटर की वायर बाहर जा रही है। तो हमने कुछ नहीं है ज़्यादा, फेज को फेज के साथ कनेक्ट कर दिया, जो बाहर से फेज आ रही है और जो अंदर से फेज वायर आ रही है उन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया, जो अंदर से न्यूट्रल आ रही है और जो बाहर से न्यूट्रल आ रही है, और तीसरी वायर इसमें ऑसिलेशन मोटर की लगी हुई है यहीं पर। और जो ये तीसरा टर्मिनल है इसमें हमने अंदर से जो ब्लू वायर आ रही है जो कि स्विच से कनेक्टर में और कनेक्टर से बाहर आ गई, ये ऑसिलेशन मोटर की वायर है फेज, इसको हमने ऑसिलेशन मोटर की जो दूसरी वायर थी उसके साथ इसको लूप कर दिया है और इसको यहाँ टाइट कर दिया है, बस इतनी सी बात है। और ये कनेक्शन भी ऐसे ही कर दिए, ये आपका फेज टर्मिनल है जो, ठीक है, इसमें हमने डायरेक्ट जो बाहर से फेज आ रही है हमने फेज यहाँ कनेक्ट कर दिया, बाकी ये आपका पहली हैलोजन रॉड प्लस दूसरा वेंटिलेशन फैन ये वाला, इसको कनेक्शन दे दिया है। फिर दूसरा जो इस, ये जो आपका ये बीच वाला टर्मिनल है इससे हमने सेकंड हैलोजन हीटर को कनेक्शन दे दिया है, और तीसरे वाला जो इसमें ये टर्मिनल है आप अपने हिसाब से नंबरिंग दे सकते हैं इसमें, ठीक है, इससे हमने जो है ऑसिलेशन मोटर को कनेक्शन दे दिया है। बाकी मैं आपको इसमें डायग्राम जो है पेपर पे एक लाइन डायग्राम बना के समझाऊंगा इसको कैसे करना है।